Okay. So why didn't you come in previous class? You came in all CS1 classes. Okay. So until 24, and from fifth, uh, Siddharth sir is coming. Then double classes. Uh, from class will start from sixth October. So.

तो जो लोग रुक रहे हैं वो लोग का प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ प्रोबेबिलिटी है कि भाई लास्ट तक कौन टिक सकता है यही है प्रोबेबिलिटी हमने तो यही सीखा है ठीक है चालू करें क्या आज का हाँ सब लोग बोल रहे हैं यस you sit in last bench okay and study cm1 No. chalo questions class you have done anything previously or you have done

आपको पहले ये बताना है कि एक डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स सो इंटीग्रेशन जीरो से वन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स सो थ्री आ जाएगा बाहर अब अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाय से वन तो क्या आ रहा है वन आ रहा है क्या आंसर सो दिस इज अ वैलिड पीडीएफ आइए इसके बाद में प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट वन एक्स जीरो पॉइंट फाइव मान पॉइंट वन और पॉइंट फाइव के बीच में रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमने क्या सीखा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में जहां से जहां तक का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा वहां से वहां तक क्या कर देंगे इंटीग्रेट तो अपने क्या करेंगे 0.1 से 0.5 पॉइंट फाइव थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है ना हाँ या ना ठीक है सो थ्री एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो पॉइंट वन से जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव का क्यूब माइनस जीरो पॉइंट वन का क्यूब यही आएगा क्या The calculator which you have got is MS or ES? MS will not work. No problem. We'll give you one calculator, but it is chargeable. 735 rupees. I am giving you today, you pay me tomorrow. OK. MS is not allowed. कितना आंसर आ रहा है बताइए ऑनलाइन में फटाफट जीरो पॉइंट वन टू फोर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए एफ एक्स आपको दिया हुआ है वन बाय फाइव एक्स का रेंज दिया हुआ है टू टू सेवन आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी थ्री एक्स जब थ्री और फाइव के बीच में है सर प्लीज स्क्रोल अप ओके ये लो और ऊपर दिया यही और ऊपर हंस क्या रहा इतना मेरा बात सुनो कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है दो से ज्यादा और हंस रहा है हम हंस अभी तुम पे रेंज देख के पता लगेगा पॉइंट वाइज होने से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड रेंज देने से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक नया कैलकुलेटर देने मेरा बात सुनो तुम लोग अभी बहुत छोटा है ठीक है ऐसा चुड़ैल टाइप का क्वेश्चन देगा ना पूरा फंस जाएगा तुम लोग रेंज देख के समझ में आएगा कि डिस्क्रीट है है कि अब बोला ना दो से सात तो दो से सात के बीच में तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी ले सकता है ना सुनो तो क्या करेंगे पहला बात तो ये समझ में कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तीन से पांच निकालना है तो क्या करेंगे तीन से पांच वन बाय फाइव डीएक्स सो so, वन बाय फाइव कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डीएक्स का एक्स फाइव माइनस थ्री सो दिस इज टू बाय फाइव सबको समझ में आ रहा है येस और नो अरे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पावर माइनस एक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो क्या है बताओ ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है ठीक है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है जीरो से जीरो से इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी तक जा सकता है ठीक है अभी अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन वन तो कैसे निकाल सकते बताओ एक्स इज ग्रेटर देन वन निकालना है तो कैसे निकाल सकते बताओ वन से इंफिनिटी e टू दावर माइनस एक्स डी एक्स बोलो हां या ना हाँ या ना ठीक है सो so, e टू दावर माइनस एक्स माइनस एक आएगा यही होगा ना एम एक्स का क्या होता है इंफिनिटी माइनस तो में क्या आएगा e टू दी पर माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस वन e टू दी पर माइनस इंफिनिटी क्या होता है ए टू दी पर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो माइनस माइनस प्लस ए टू दी पर माइनस वन मेरा आंसर होगा ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन में आया आओ अगला क्वेश्चन में आओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के टू के टू के थ्री के के स्क्वायर टू के स्क्वायर सेवन के स्क्वायर प्लस के ठीक है सबसे पहले क्या निकालना है अपने को k, k का वैल्यू तो क्या करेंगे सबका सम इज इक्वल टू वन तो कितना हो गया एक दो तीन पांच पांच तीन आठ आठ और एक नौ सो दिस इज नाइन के प्लस हा प्लस के प्लस टेन के स्क्वायर इज इक्वल टू वन अब आप क्या करोगे बताओ वेरी गुड टेन के स्क्वायर प्लस टेन के माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ब्रेकअप करेंगे ना ब्रेकअप करेंगे हाँ या ना क्या होगा टेन के कॉमन के प्लस वन माइनस वन के प्लस वन इज जीरो तो के प्लस वन टेन के माइनस वन इज जीरो यही होता है ना ब्रेकडाउन तो यहां से क्या समझ में आ रहा है के का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि जहां के का वैल्यू नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है सारा हां तो बेसिकली टेन के माइनस वन जीरो तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा वन बाय टेन और के का वैल्यू एक और आ रहा माइनस वन तो दिस इज नॉट पॉसिबल अब के का वैल्यू वन बाय टेन आया अब कुछ प्रोबेबिलिटीज है जो हमको निकालनी है कुछ प्रोबेबिलिटीज है जो हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन सिक्स ठीक है ये निकालो फिर इसके बाद में निकालो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स ठीक है फिर आप निकालो प्रोबेबिलिटी जीरो एक्स फाइव एक्स जब जीरो और फाइव के बीच में लाइक करता है यहां तक निकालो ये तीन निकालेंगे और फिर उसके बाद में आप बनाओगे सी डी एफ ऑफ एक्स मैं आपको पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं चलो चालू करो ट्राई करो निकालने का ये बात क्या कर रहे तुम लोग चलो सबसे पहले लेस देन सिक्स का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू फाइव छह से कम तो लेस देन इक्वल टू फाइव में क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव मतलब थ्री के फाइव के एट के प्लस के स्क्वायर ना तो आंसर क्या आ रहा है कितना आएगा आंसर एटी वन बाय हंड्रेड फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स का क्या आ रहा है नाइनटीन बाय हंड्रेड जीरो से फाइव में जीरो भी नहीं आएगा फाइव भी नहीं आएगा एट बाय टेन अब जब सी डी एफ बनाएंगे तो सी डी एफ जो है कैपिटल एफ एक्स होता है तो ये चालू कहां से होगा पहला वैल्यू कहां पर है मतलब पहला वैल्यू कहां पर है वन पे है ना तो जब वेन एक्स इज लेस देन वन देन इट इज जीरो जैसे ही वन को पकड़ेगा बट टू से कम होगा तब क्या हो जाएगा जैसे ही टू को पकड़ेगा बट थ्री से कम होगा तब क्या हो जाएगा जैसे ही थ्री को पकड़ेगा बट फोर से कम होगा तो क्या हो जाएगा फाइव बाय टेन फिर जैसे ही तुम्हारा फोर को पकड़ेगा बट फाइव से कम होगा तब क्या हो जाएगा एट बाय टेन फिर जैसे ही फाइव को पकड़ेगा बट तुम्हारा सिक्स से कम होगा तब क्या हो जाएगा एटी वन बाय हंड्रेड फिर जैसे ही सिक्स को पकड़ेगा बट तुम्हारा सेवन से कम होगा तब क्या हो जाएगा एटी थ्री बाय हंड्रेड फिर जैसे ही सेवन को पकड़ेगा बट तुम्हारा एट से कम होगा तो क्या हो जाएगा सेवन लास्ट से अच्छा सेवन लास्ट से क्या तो अगर सेवेंथ लास्ट है तो वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन तो क्या हो जाएगा वन ये किसको नहीं समझ में आया सी डी एफ बनाना सबको समझ में आया येस और नो सीडीएफ बनाना सबको समझ में आया ठीक है आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लिखो एफ वाई हम लोग को दे दिया वन बाय एट वाई प्लस वन वैल्यू है दो से चार के बीच में प्रोबेबिलिटी वाई इज लेस देन थ्री पॉइंट टू तो थ्री पॉइंट टू से कम का मतलब क्या होगा अपने इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक टू से थ्री पॉइंट टू एक्सीलेंट वन बाय एट वाई प्लस वन डी वाई सॉल्व करो इसको तो वन बाय एट आएगा वाई स्क्वायर बाय टू प्लस वाई टू से थ्री पॉइंट टू इसको सॉल्व करिए सिमिलरली प्रोबेबिलिटी टू पॉइंट नाइन से वाई होगा थ्री पॉइंट टू के बीच में तो क्या होगा टू पॉइंट नाइन से थ्री पॉइंट टू वन बाय एट वाई प्लस वन डी वाई दोनों वैल्यू को सॉल्व करके बताओ कितना कितना आ रहा है आंसर दोनों वैल्यू को सॉल्व करके बताइए कितना कितना आ रहा है आंसर पहला वाला जीरो पॉइंट फोर सिक्स और दूसरा वाला नहीं आ रहा है नहीं आ रहा आंसर ओ वो एस वाला बटन दबाओ देखो एस से डी का एक बटन होगा कैलकुलेटर में जस्ट हेल्पर ठीक है पास होने का सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है कि एंड तक जो टिका रहेगा ठीक है सर लास्ट प्रोबेबिलिटी का क्या आंसर है वो तुम बताओ कृष्णा जीरो पॉइंट वन फाइव वन एट सेवन फाइव हमको कुछ नहीं आता है तो हम तो कृष्णा से ही पूछते हैं जीरो पॉइंट वन फाइव वन एट सेवन फाइव जीरो पॉइंट वन फाइव वन एट Yes, dear. Yes. नहीं कृष्णा ने आंसर दिया है पहला वाला आंसर कितना आ रहा है बताओ पहला वाला आंसर पॉइंट फाइव फोर आ रहा है क्या पहला वाला आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव फोर नहीं आ रहा है आप लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है हाँ सबका ही आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव फोर चेक करो अरे ये फोर स्क्वायर नहीं है वाई स्क्वायर है हाँ तो कितना आ रहा है ना भाई क्या बोल रहे है तुम लोग वन बाय एट वाई स्क्वायर प्लस वाई यही ना आ रहा है टू से टू से थ्री पॉइंट टू सो वन बाय एट थ्री पॉइंट टू का स्क्वायर प्लस थ्री पॉइंट टू बाई स्क्वायर बाय टू माइनस बाय स्क्वायर बाय टू हाँ हाँ बाय स्क्वायर बाय टू है सॉरी टू स्क्वायर बाय टू प्लस टू सॉल्व करो यार इसको बेसिक सॉल्विंग में गलती हो रहा है तो फिर और मैं क्या बोलूंगा बताओ ए तुम करो तुम बैठो मत कैलकुलेटर चलाओ 2.9 से 3.2 कल CS1 का क्लास नहीं है CS1 का नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे नहीं CM1 का जितना भी लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग के लिए आज लास्ट क्लास है कल 12 बजे से मोस्टली हाँ आप लोग का सुबह सीएम वन कल नौ, नौ से बारह सीएस वन नहीं है सी बी वन बारह बजे से हाँ और सीएम वन का बच्चों लोग को सीएस वन नहीं करना होगा आज के क्लास के बाद आ रहे क्या आंसर कितना आ रहा है आंसर बताइए कितना जीरो पॉइंट फाइव फोर सबका है ना नेक्स्ट एफ जेड अपने को दिया हुआ के जेड ई टू दाइनस जेड स्क्वायर ठीक है के पार माइनस जेड स्क्वायर जेड इज ग्रेटर देन जीरो के इन टू जेड ई टू दाइनस जेड स्क्वायर जेड इज ग्रेटर देन जीरो अपने को के का वैल्यू निकालना है सो जीरो टू इंफिनिटी पार माइनस डी जेड राइट यही होगा ना अब आप एक काम करो जेड स्क्वायर को ले लो टी तो टू जेड डी जेड इज वॉट डी टी अब एक काम करो वेन जेड इज जीरो वेन जेड इज इंफिनिटी टी इज वॉट क्यों हाँ, हाँ भाई दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है बोल तो रहा हूं भाई ये डेल्टा की तरह तो नहीं है मतलब एक सेकेंड और छोटा सेट मैंने इतना साल से हम गलत कर रहे थे ओ अच्छा ठीक है रुको 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 ओके okay, नो no प्रॉब्लम नहीं नहीं फर्क पड़ता है समझ में नहीं आ रहा ना भाई केमिस्ट्री वालों को एफ जेड अभी ठीक है नहीं अब एक काम करता हूं एफ जेड जेड ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर ठीक है z इज ग्रेटर देन जीरो आपको k निकालना है तो जीरो से इंफिनिटी के जेड ई टू दावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड तो हम लोग क्या कर रहे हैं जेड स्क्वायर को ले रहे हैं t ठीक है तो क्या हो जाएगा टू जेड डी जेड इज वॉट dt तो जेड dz तो है और एक बात बताता हूं जब जेड तुम्हारा जीरो है तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो जब जेड तुम्हारा इन्फिनिटी है तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी तो लिमिट्स हमारे सेम रहेंगे के बाहर आ गया बाय टू आ गया क्योंकि अपने को टू जेड डी जेड चाहिए ना तो जीरो से इन्फिनिटी टू जेड e टू दावर माइनस z एक मिनट ई टू तक किया नहीं एक मिनट dz अब इस बाई k by 2, 0 से इंफिनिटी टू जेड 2z dz की जगह में आ जाएगा dt टी तो ई टू दाइनस माइनस t dt सो के बाय टू टू माइनस माइनस टी ऐसे ही होगा ना माइनस ई टू दावर माइनस टी जीरो से इंफिनिटी अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये पूरा इज इक्वल टू वॉट ये पूरा चीज इज इक्वल टू वॉट वन ना हाँ या ना What's up? हुआ कितना आ रहा है के का वैल्यू सो के बाय टू माइनस के बाय टू ई टू दाइनस इंफिनिटी माइनस वन इज वन सो के बाय टू इज वन सो के का वैल्यू आ रहा है टू ठीक है ना अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना अब थोड़ा सा हम लोग मीन वेरिएंस पे वर्क करेंगे अब अगर मान लो हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं ठीक है आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे निकालेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो तो पता ही है सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो वन बाय सिक्स आ जाएगा बाहर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर समझा? थोड़ा सा ना अभी जैसे तुम लोग ये सब कर रहे हैं ठीक है, है बट थोड़ा सा नॉर्मल रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए इंटरव्यू में बहुत काम आता है सब चीज जैसे ये जो है न, one square, two square, ना वन स्क्वायर टू पूछेगा हाउ मेनी अ चेस बोर्ड वो का बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है गलत समझा तो जैसे ये ये एक पूरा चेस बोर्ड है तो इसमें समझा ऐसे करके 64 बॉक्सेस हैं तो वन इंटू वन के 64 हुए मतलब एट स्क्वायर फिर जब तुम टू इंटू टू का करेगा तो सेवन स्क्वायर और ये पूरा एक बॉक्स है तो एट इंटू एट का एक वन स्क्वायर सो इट इज द स्क्वायर्स ऑफ दर्स्ट एट नेचुरल नंबर्स तो वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर सिक्स स्क्वायर सेवन स्क्वायर एट स्क्वायर समझा ये सब पूछता है फिर तुमसे पूछेगा मैथ्स द फॉलोइंग है ठीक है मैथ्स द फॉलोइंग है जैसे मान लो यहां पर है वन टू थ्री फोर फाइव और यहां पर है ए बी सी डी ई ठीक है बोलेगा इन हाउ मेनी वे कैन वन बी रॉन्ग कोई एक तुम्हारा मैच द फॉलोइंग गलत होगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ क्यों एक गलत हो ही नहीं सकता है एक गलत हो ही ये सब पूछता है बोलेगा कि दिल्ली में कितना बस है बताओ हाँ कितना खिड़की है बताओ तो एक ये सब क्या है ना ये सब तुम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस हम लोग का देखो जो डैशबोर्ड है या फिर वेबसाइट पे डाला है अभी पता नहीं बट ये सारा क्वेश्चन दिया है उसमें ठीक है एसेट का पांच सौ रुपया लगता है हम तो बोलेंगे एसेट के लिए रजिस्टर करके दे दो पांच सौ रुपया हो गया तो ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस है पहले फ्री था अभी पांच सौ किया पहले तीन हजार रूपये था फिर फ्री किया अभी, अभी होने वाला है तेरह तारीख को जस्ट सिट ना नो वट इज वट इज द प्रॉब्लम इफ यू आर वेरी फोकस्ड आपको आई फो से करना दैट्स फाइन बट कीप द ओपन क्या पता वो लोग आ, साल में चार बार एग्जाम कर दे पांच बार एग्जाम कर दे कीप द डोर ओपन आप IFOI से जो भी पेपर क्लियर करोगे उसका आपको आई आई में मिलेगा, हा? हा? कोई दिक्कत नहीं है वो तो इन अनाउंसमेंट देखो धीरे धीरे कभी भी चेंज हो सकता है तो क्या है ऐसे तुम लोग को ना एक तुमको एक ड्रीम लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है पूरा उसमें तुमको पूरा लगना पड़ेगा तब होगा ये कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं है मैं तुमको वही समझा रहा हूं अभी हमारे पास पचास जन पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन मैं यही सब पढ़ाता हूँ क्यों? ये सब बन गया बेस बन गया फिर उसके बाद तुम लोग कुछ भी खुद से भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक इट स्लो एंड कंसिस्टेंटली डिलीवरी थोड़ा 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 करना है सीबी बंदे को अंकित से पढ़ाते हैं तो बेस बनना बहुत जरूरी है बेस से फिर तुम तो लोग कुछ भी कर सकता है ठीक है चलो इसका आंसर निकालो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ आएगा। बताओ कितना आ रहा है इसका? तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन मतलब थर्टीन बाय सिक्स तो ये कितना आ रहा है थर्टीन सेवन साइंटी वन अब अपने को निकालना क्या है टू इंटू नाइन्टी वन प्लस वन ना कितना आ रही है कितना है अच्छा सॉरी 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 ये है ना और ये प्लस वन अलग से है हम्म अब कितना आ रहा है नाइन्टी फोर बाय थ्री सॉरी सबका आ ये चेक करो तो 94 फोर थ्री आ रहा है बोलिए ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अपने को एक्स दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स दिया हुआ है ठीक है माइनस थ्री का है वन बाय सिक्स सिक्स का है हाफ नाइन का है वन बाय थ्री ठीक है आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर ठीक है चलो बना लो चालू करिए

कैसे करते हैं हां वो पता चला सेम ही आता गांव के में

कुछ जिद्दी होता है ऐसे बोले ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो क्यों वैसे करने से हम बोल रहे भाई वैसे इजी है गलती होगा अब जैसे पीडीएफ सी है डिस्क्रीट में हम बोले कि सीडीएफ से मत निकालो आंसर गलत आएगा पीडीएफ से हमारा सही आ रहा है कोई दिक्कत है क्या हम बोले कोई दिक्कत नहीं कोई जैसे देने का ठीक है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है प्लस फोर एक्स प्लस वन ये कितना आ रहा है दो सो नो एक्सिलेंट कौन से बिल्डिंग हो रही है मतलब ये जो मैंने क्लास कराया इसके साथ शिवांगी मैम का जो क्लास कर लेगा ना बस स्टैट्स में एक बार तो उसको लगेगा कि बस बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने में चलते हैं तुम लोग को पता है मोहम्मद अली ने क्या बोला मोहम्मद अली वाला तुम लोग को पता है बताया है तुम लोग को तुम नहीं सुनिए तुम फर्स्ट जाइ हो ना मोहम्मद अली एक बहुत बड़ा फाइटर था पता है ना तुमको तो उससे पूछा कि आपका ग्रेटनेस का रास क्या है तो बताओ क्या बताया तुम सोच के बताओ क्या बताया वो बोला हम गिनना तब से चालू करते थे जब से मेरे को दर्द होता था चार पांच आदमी रख के रखा था मैंने देखा है निगरू निगरों चार पांच आदमी रख के रखा था अपने आपको मुक्का मारने के लिए मतलब गिनना चालू करते थे जब से दर्द होता है तो अभी नहीं अब देखो जैसे धीरे धीरे क्या है तुम देखो ऑनलाइन में अट्ठारह फिजिकल में धीरे धीरे कम हो रहा है एंड तक जो रुक गया ना यहाँ पर बस ये बात समझ लेना ठीक है यही है फोकस मतलब फोकस कुछ भी हो जाए ठीक है यही सबसे बड़ा लाइफ में चीज है एक चीज को पकड़ो खत्म करो फिर दूसरी चीज पे जाओ यही 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 एक बार चीज खिचड़ी पका देगा तो नहीं होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ ये वाला हो गया है हाँ नेक्स्ट में आओ अब आपको निकालना है एफ वाई दिया हुआ है वन बाय एट वाई प्लस वन सर यस्टरडे का लेक्चर का रिकॉर्डिंग कब तक आएगा आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे माइनस वन से वन y इंटू बहुत लोग y मल्टीप्लाई करना भूल जाता है y भी तो मल्टीप्लाई होगा y इंटू एफ वाई डी वाई तो वाई इंटू वन बाई एट वाई प्लस वन, डी वाई, सो वन बाय एट आ गया बाहर माइनस वन से वन वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई, ठीक है अरे बोलो हाँ या ना, सो वन बाय एट बोलो जी कितना आ रही है आंसर ए सॉरी मैं गलत कर दिया अरे वो अभी तो इंटीग्रेट किया कहा y तो क्यूब बाय थ्री प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन से वन कितना आ रहा है फाइनल बताइए हाँ वन बाय ट्वेल्व सबका आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए बोलो जी ठीक है बातें समझ में आती हैं बोलो ठीक है ठीक है इसमें आपको निकालना है फाइंड ए और फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है फाइंड ए ए निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस वन से वन ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज वन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस वन से वन हा कि ना अरे बोलो कितना आ रहा है बताओ मानी तो ये पूरा इज इक्वल टू वन तो वैल्यू बैठाने के बाद ए का वैल्यू कितना आ रहा है थ्री बाई एट अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो अरे करो तो सही तुम लोग जीरो आ रहा है आसमी ने भी पूछा है उसको भी डाउट सा हो रहा है बोले जीरो फिर क्वेश्चन मार्क लगाया आगे बढ़े हाँ कि ना सब लोग चैट बॉक्स पे लिख दो भैया चलो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दूंगा इजी तो तुम लोग बना दे रहे हो आया तुम्हारा जीरो आया वन बाय थाउजेंड ई टू पावर माइनस एक्स बाय थाउजेंड आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है और रेंज दिया हुआ इज़ ग्रेटर देन जीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो आएगा आपका वो तो क्या आएगा बताओ इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी वन बाय वन थाउजेंड एक्स इंटू ई टू दावर माइनस एक्स बाय वन थाउजेंड डीएक्स हाँ या ना अरे बोलो कौन बोला गा इंटीग्रेशन हाथ उठाओ तुम डरा क्यों तुम बोल हम बोला है सही तो बोला यही देखा इतना डरता है लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है बता अरे इस कदम इस क्या यहां तुम कदम रख दिए तुम आधा एक्चुअली बन गया भाई तुम क्या बोल रहे कॉन्फिडेंस के संग आगे बढ़ेगा कॉलेज में कोई भी बोलेगा बोले प्रिपरेशन कैसे चल रहा है क्या नाम है तेरा हाँ क्या नाम है अबे प्रिपरेशन कैसे चल रहा है बोला बहुत अच्छा तुमसे मतलब

टू दी पावर एल्फा वन बाय वन थाउजेंड टू दी पावर एल्फा राइट सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है कुछ भी पूछो मुंह उठा के जवाब देते हो तुम लोग थाउजेंड ठीक है अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन माइनस वन से वन वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है किसका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला लिख दो फॉर्मूला लिख दो भाई विजन से पहले रिविजन ये बात याद रखना ठीक है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ई एक्स स्क्वाइनस वन से वन एक्स स्क्वास प्लस वन dx एंड ई एक्स मेरा क्या आएगा माइनस वन से वन एक्स इंटू एफ एक्स डीएक्स चलो अब इसको सॉल्व करो मैं दे रहा हूं टाइम पांच मिनट का इसको सॉल्व करिए सब लोग इसका आंसर कितना आ रहा है सब लोग बताइए फटाफट फड़ से आपका आया टू बाय नाइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स अपने को दिया हुआ है लैमडा ए टू दी पावर माइनस लैमडा एक्स जीरो से इंफिनिटी अपने को निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स ठीक है ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन तो वेरिएंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स

डा स्क्वायर तो क्या आएगा वन बाय लैमडा सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के आंसर निकालिए नेक्स्ट सीएस वन का जो क्लास होगा ओनली फॉर सीएस वन स्टूडेंट्स एंड एसओए एग्जाम पी स्टूडेंट्स एंड एसेड स्टूडेंट्स वो होगा मंडे को चार बजे ऑफ़ एक्स क्या है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू लैमडा ई टू माइनस लैमडा एक्स डी सो लैमडा बाहर आ गया जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर थ्री माइनस वन ई टू दी पावर माइनस लैमडा एक्स डी एक्स सो एल्फा है थ्री लैमडा है लैमडा हाँ कि ना बोलो तो क्या आएगा लैमडा इंटू गामा थ्री बाय लैमडा का क्यूब सो टू बायडा स्क्वायर तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज व्हाट? Expectation of x square minus expectation of x ka. So 2 by lambda square minus 1 by lambda ka whole square. So this is what 1 by lambda ka square. Sigma is standard deviation, sigma square is variance. सबका आया तक और नो आज के क्लास में सबको समझ में आया हाँ हमने एक बेसिक रैंडम वेरिएबल किया है 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 ठीक ठीक देखो नॉलेज समंदर है थीके? तो अभी मेरा मेरा बात ध्यान सुनो सीएस वन में शिवांगी मैम का बेसिक अराउंड फिफ्टीन लेक्चर्स है एक एक घंटे का तो वो अब तुम लोग कंप्लीट करो चाहे वो सी एस वन के स्टूडेंट्स हो चाहे वो सीएम वन के स्टूडेंट्स हो चाहे वो एसेट के स्टूडेंट्स हो चाहे वो पी के स्टूडेंट्स हो ठीक है वो वो बेसिक सब लोग रैंडम वेरिएबल का जो इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने दे दिया ठीक है ना मंडे को सीएस वन के बैच में हम लोग कुछ नया करेंगे जो CM1 के बच्चों को नहीं दरकार है ठीक है बट आप लोग शिवांगी मैम का बेसिक स्टार्ट देख के रेडी रहना ठीक है कंटीनजेंसीज में आपको काम में आएगा मंडे को मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मैं मंडे को ही डिसाइड करूंगा तो मंडे चार बजे क्लास है सीएस वन के स्टूडेंट्स का ठीक है थैंक यू अब और सीएम वन के बच्चों को सी एस वन का क्लास नहीं करना है हाँ सो so, डैशबोर्ड और क्यू फोरम पे क्लास शेड्यूल में जो चार बीस इक्कीस लिखा है उसका मतलब क्या है ये हमारा फैकल्टी कोड है मेरा फैकल्टी कोड है जीरो uh, फोर मेरा जो फैकल्टी कोड है वो है जीरो फोर ये हमारा फैकल्टी कोड है अंगद ठीक है तो ये हमारे फैकल्टी कोड है सी एस वन में आपको तीन चार फैकल्टी कोड दिखेंगे जैसे शिवांगी मैम का दिखेगा सर का दिखेगा अभी एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट के भी पास पेपर्स के क्लास चल रहे हैं ना तो आपको बहुत सारा क्लास दिखेगा बट आप देख लेना कि आईआई का जो पास पेपर का जो क्लास है या फिर आईआई का जो रिवीजन लेक्चर है वो अभी आपको नहीं करना है ठीक है ना इसी का मक्कर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे डालो एट वन डबल जीरो फाइव नाइन एट फाइव फोर थ्री इफ देर इज समॉब्लम ओके एट वन डबल जीरो फाइव नाइन एट फाइव फोर थ्री थैंक यू सो मच ओके दैट्स इट फॉर द डे